गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द क्लास ऑफ इनकम टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन एक्सप्रेस चैनल। एंड यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी कम्पीटेड यस्टरडे द टॉपिक दैट वॉज गोइंग ऑन एज असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और उस पर डिफरेंट वेराइटीज की हमने इलस्ट्रेशंस देखी थी, डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस भी किए थे, और मेन फोकस हमारा उन क्वेश्चंस पर रहा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। वो इसीलिए था कि हमें एक आइडिया हो जाए कि इस तरह के, इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में होते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंग टू दैट लेवल होनी चाहिए। इसीलिए हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस भी टेकअप किए थे। ओके, और हमने कल ही इस बात के बारे में बता दिया था कि आज के लिए कि विल बी गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू संयुक्त परिवार क्या है और किस प्रकार से इसमें असेसमेंट किया जाता है, इसकी चर्चा होने जा रही है। और जैसे आपको नाम से आभास हो रहा है कि ये केवल हिंदू माइथोलॉजी को या हिंदू फेथ को मानने वाले लोगों का यदि परिवार है और वो संयुक्त रूप से रह रहा हो, अर्थात एक ही छत के नीचे परिवार में भाई बहन, माता पिता और उनसे ऊपर दादा दादी इत्यादि सब साथ रहते हों, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाए। उनमें जैन फैमिलीज़ और सिख फैमिलीज़ को भी शामिल किया गया है। तो जैन फैमिलीज़ यदि हैं जो जैन धर्मावलंबी हैं, यदि वो भी जॉइंट फैमिली के रूप में रह रहे हैं, मिलकर के रहते हैं, तो वो भी हिंदू इंडिविजुअल फैमिली माने जाएंगे। उसी प्रकार से सिख धर्मावलंबी भी यदि इसी प्रकार से हिंदूज़ की जॉइंट फैमिली रहती है, यदि वो रहते हैं, तो उनको भी हिंदू इंडिविजुअल फैमिली में शामिल माना जाएगा। हाँ, इसके अलावा दूसरे धर्मावलंबी यदि हिंदू फैमिलीज़ की तरह रह रहे हों जॉइंट रूप में, दादा दादी भी, माता पिता भी, भाई बहन भी सब साथ रह रहे हैं, तो उसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से मुस्लिम या धर्म को मानने वाले या अन्य धर्मों को मानने वाले भी यदि हिंदू जॉइंट फैमिली की तरह रहते हों, तब भी इनकम टैक्स पर्पजेज के लिए उन्हें HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं माना जाएगा और उनका टैक्सेशन HUF के अनुसार नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ओके, आइए आगे लिए चलते हैं। इसके दो नियम हैं इसमें। ये भारतवर्ष में दो प्रकार की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के नियम बने हुए हैं। एक तो दाई भाग कहलाता है, जो बंगाल और असम में लागू होता है, और दूसरा इन दोनों के अलावा, असम और बंगाल के अलावा, पूरे भारतवर्ष में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नियम लागू होता उसे कहते हैं मिताक्षरा। तो दाई भाग और मिताक्षरा के अनुसार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मान्यता मानी जाती है। दाई भाग में क्या है प्रोविज़न मेन इनकम टैक्स की दृष्टि से? इनकम टैक्स की दृष्टि से दाई भाग में ये नियम है कि संयुक्त परिवार में जब तक पिता जीवित है तब तक उसकी संतान, पिता हो की संतान, माता पिता की संतान, पुत्र हो अथवा पुत्री हो, वो संपत्ति में विभाजन का अधिकार नहीं मांग सकती। संतान को अधिकार नहीं है कि पिता के जीवित रहते हुए पिता की संपत्ति में अपना अधिकार मांगे। उनको अधिकार तभी मिलेगा जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद
वो संपत्ति का विभाजन कर सकते हैं। उससे पहले संपत्ति का विभाजन मांगने का अधिकार नहीं है। हाँ, स्वेच्छा से वो विभाजन कर ले वो एक अलग चीज़ है, परंतु अधिकार के रूप में वो चाहे कि नहीं अभी संपत्ति का विभाजन कर के हमें आप अपना हिस्सा दो, तो वो अधिकार उन्हें नहीं होगा। जबकि मिताक्षरा में इससे बिल्कुल विपरीत क्या नियम है, नियम ये है कि परिवार में जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा पुत्र हो या पुत्री हो, उसको पिता की संपत्ति में विभाजन का अधिकार है। वो जब चाहे तब पिता की संपत्ति में अपना हक मांग सकता है, मांग सकती है। पिता और पुत्री दोनों को समान अधिकार है। यदि पुत्री का विवाह हो जाता है तो उसके बावजूद भी पिता की संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। मांगे न मांगे, दे या न दे, वो एक अलग चीज़ है, विवाद की बात हो जाती है, वो बातें अलग हैं। परंतु उसको अधिकार है, पुत्री को भी, विवाहित है तो भी और अविवाहित है तब भी। जैसे ही उसका जन्म हुआ माता पिता के परिवार में, वैसे ही उसको संपत्ति में विभाजन का अधिकार मिल गया। दाएं भाग में ये नहीं है, दाएं भाग में पिता की मृत्यु के बाद ही होगा। और यहाँ पर मिताक्षरा में जन्म लेते ही उसे माता पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब जहाँ तक हो सकता है महिलाओं का प्रश्न है, जैसे माता दूसरे परिवार से आकर के यहाँ पर पिता के साथ रहती है, या पिता के भाई हैं वो विवाह करके आते हैं, उनकी पत्नियाँ दूसरे परिवार से यहाँ आती हैं, उस प्रकार से यदि अन्य महिलाएं जो भी हैं तो उन्हें विभाजन का अधिकार नहीं है, उन्हें विभाजन का अधिकार नहीं होगा। हाँ, ये शब्द ज़रूर है, यदि परिवार संपत्ति का विभाजन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वो अपना हक मांग सकती है कि इतना हिस्सा मेरा भी, मुझे भी दिया जाए, पर विभाजन की मांग नहीं कर सकती। विभाजन के मांग करने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, पुत्र पुत्री को है, पर जो अन्य परिवार से आकर के इस परिवार में वधु के रूप में ही हैं, पत्नी के रूप में हैं या किसी और रूप में हैं, तो उनको संपत्ति में विभाजन मांगने का अधिकार नहीं होगा। संपत्ति में जब विभाजन कर रहे हैं परिवार के लोग, तो उसमें उसका जो हक है वो मांग सकती है, विभाजन का अधिकार उसको नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये है दाई भाग और मिताक्षरा। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं उनको कहा जाता सहभागी, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं को पार्सनर। हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के मेंबर्स को सहभागी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहेंगे को पार्सनर्स। तो को पार्सनर्स कौन होंगे, वो सभी लोग जो कि परिवार के मेंबर हैं वो को पार्सनर्स कहलाते हैं। हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के दादा दादी, माता पिता, भाई बहन इत्यादि जो भी है वो सब इसके मेंबर्स कहलाएंगे, को पार्सनर्स कहलाते हैं। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के निर्माण के लिए, बनने के लिए कम से कम दो मेंबर्स का होना आवश्यक है। दो मेंबर मेल हो सकते हैं, दो मेंबर फीमेल हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, पर देयर मस्ट बी टू मेंबर्स। दो मेंबर होंगे तभी वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बना सकेंगे, एक अकेला व्यक्ति परिवार HUF नहीं बना सकता। तो मिनिमम दो मेंबर का होना आवश्यक है, दो से अधिक हो सकते हैं पर कम से कम दो मेंबर का होना आवश्यक है। महिलाएं जैसे अभी बताया कि वो मेंबर हो सकती हैं, को पार्सनर्स हो सकती हैं HUF की, परंतु उन्हें संपत्ति में विभाजन के मांगने का अधिकार नहीं होगा, ये ध्यान रहे, ये अधिकार उनको नहीं होगा। दूसरी बात, जो परिवार का मुखिया होगा, हेड ऑफ द फैमिली, वो कोई भी हो सकता है,
कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है। जनरली हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड है वो पुरुष होता है सामान्यतः, पर कहीं पर भी महिला भी हो सकती। कोई प्रतिबंध नहीं है कि महिला नहीं होगी या पुरुष नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती, पुरुष हो सकता है। जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसको कहते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, और हेड ऑफ द फैमिली कोई भी हो सकता है जिसकी सभी बात मानते हों। कोई लिखित समझौता तो होता नहीं कि नहीं साहब एक्स हमारा हेड ऑफ द फैमिली होगा या वाई हमारी हेड ऑफ द फैमिली होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो परिवार पर, पूरे परिवार पर नियंत्रण रख सकता हो, नियंत्रण रखता हो, परिवार में जिसकी सभी बातें मानते हों, वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। इसके लिए राइटिंग में कहीं कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कहीं लिखा हुआ नहीं होता कि अमुक व्यक्ति हेड ऑफ द फैमिली होगा या अमुक होगा, या अमुक नहीं होगा अमुक नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। जो परिवार पर नियंत्रण रखता है या परिवार के सभी लोग जिसकी बात को मानते हों वही हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है। तो वो हेड ऑफ द फैमिली वो होगा जो कि कर्ता कहलाएगा। कर्ता के आधार पर ही HUF के निवास स्थान का निर्धारण होता है, अर्थात HUF निवासी है या अनिवासी है या साधारण निवासी है, इसके निवास स्थान का निर्धारण कैसे होगा। इस निवास स्थान का निर्धारण होता है जहाँ से परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण होता है, उस स्थान को ही हेड ऑफ द फैमिली का स्थान माना जाएगा, और वही निर्धारित करेगा कि ये परिवार निवासी है, ए निवासी है या ए साधारण निवासी है। बस समझ में आ रही है। तो जहाँ हेड ऑफ द फैमिली रहता हो, जहाँ से परिवार के पूरे परिवार का संचालन होता हो, प्रबंध होता हो, नियंत्रण होता हो, उस स्थान पर को हम जहाँ जानते हैं मानते हैं वही से ही परिवार के निवास स्थान का निर्धारण होगा। यदि परिवार के प्रबंध नियंत्रण संचालन का कार्य भारतवर्ष में किसी भी स्थान से हो रहा है तो भारत में निवासी है, यदि भारत के बाहर से हो रहा है तो भारत के बाहर अनिवासी हो, ये ध्यान रखिएगा। तो उसका जहाँ प्रबंध नियंत्रण संचालन जहाँ से होता उस स्थान से इस बात का निश्चय किया जाएगा कि HUF निवासी है या अनिवासी है, और किसी तरीके से इसका नहीं होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ जो आवश्यक तत्व है उसमें ये बात भी होती है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो संयुक्त या सम्मिलित कंबाइंड होनी चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी कंबाइंड होनी चाहिए, जिस पर सबका अधिकार होना चाहिए। मान लीजिएगा कोई मेंबर अपने स्वयं के प्रयास से, अपने स्वयं के श्रम से को धन अर्जित करता है और धन को बाद में HUF के फंड में दे देता है, जमा कर देता है, तो वो HUF का फंड नहीं माना जाएगा, वो उस व्यक्ति की संपत्ति मानी, उस मेंबर की संपत्ति मानी जाएगी, व्यक्तिगत रूप से उसे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो आय यदि HUF के पास जो संपत्ति है उससे होती है, HUF का कोई फंड है यदि उससे आय होती है तो वो HUF की आय मानी जाएगी। HUF की बड़ी हाउस प्रॉपर्टी है, उससे किराया प्राप्त हो रहा तो HUF की इनकम मानी जाएगी। HUF मिलकर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। पर यदि कोई मेंबर अपने व्यक्तिगत श्रम से कोई धन अर्जित करता है तो वह उस मेंबर की व्यक्तिगत आय होगी, और वो व्यक्तिगत रूप से मेंबर टैक्स पे करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, HUF नहीं।
HUF की जिम्मेदारी अलग होगी, व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी अलग होगी। उस व्यक्ति का असेसमेंट इंडिविजुअल के रूप में होगा और परिवार की आय का जो असेसमेंट है वो HUF के नियम के अनुसार होगा। एक बात और अंत में ध्यान रखनी है और वो ये है कि जिस प्रकार से इंडिविजुअल के असेसमेंट में हम कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के कैलकुलेशन HUF में भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में इनकम टैक्स की रेट्स देखी हैं जो ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए होती है, अर्थात जो सीनियर सिटीज़न नहीं है उसके लिए होती है, क्या रेट है? आपको मालूम है पहले 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं, अगले 2,50,000 पर 5%, फिर अगले 5,00,000 पर 20%, और उसके बाद बची हुई इनकम पर 30% टैक्स होता है। टोटल टैक्सेबल इनकम का पहले नील 2,50,000 पर, अगले 2,50,000 पर 5%, फिर अगले 5,00,000 पर 20%, और बाकी के बैलेंस पर 30% टैक्स लगता है। क्लियर? जिस प्रकार से हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% होता है टैक्स की राशि का, उसी प्रकार से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी टैक्सेबल जो टैक्स पेबल जो अमाउंट होगा उसका 4% सेस लगेगा हेल्थ और एजुकेशन सेस के नाम से, ये सेस भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये कोई अंतर नहीं है। तीसरी बात, जिस प्रकार से असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में हम 80C की कटौती देते हैं, 80D, 80DD, 80DB, 80TTA, 80IB, 80G, इनकी कटौतियाँ भी उसी प्रकार दी जाएंगी जिस प्रकार से इंडिविजुअल में देते आए हैं। मतलब नई कोई बात नहीं है, वही नियम है। 80C की मैक्सिमम कटौती 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो भी आपको ध्यान रखना है। कटौतियों का टोटल जो होगा वो टोटल टैक्सेबल इनकम से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 80TTA की कटौती फिक्स डिपॉजिट में यदि पैसा जमा है HUF का तो उसकी कटौती मिलती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक और बात कि यदि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल हम आप करते हैं तो आपको मालूम है कि यदि आपके टोटल टैक्सेबल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको अलग कर रही है, अलग हटाइए, उस पर 20% की दर से टैक्स होता है, उसे अलग करना है। यदि टोटल टैक्सेबल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A की है जिसमें प्रतिभूति का टैक्स वहीं काट लिया जाता है, वो 112A की टैक्सेबल इनकम के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है, तो वहाँ पर आपको मालूम है कि 1,00,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं और 1,00,000 के बाद टैक्स की राशि 10% होती है। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है तो वहाँ पर कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है। वही नियम यहाँ पर भी लागू होंगे, अर्थात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% या 10% जैसी भी स्थिति हो वो टैक्स लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A की है तो टोटल टैक्सेबल इनकम 15%। तो तीन प्रकार की कैपिटल गेन की इनकम हो गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन 112A वे 20% से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A पहले 1,00,000 पर कोई टैक्स नहीं और बाकी पर फिर टैक्स की रेट होगी 10%। फिर तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि 111A है तो टैक्स की रेट है 10%। ठीक है, ये जो नियम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के हैं वही नियम HUF में लागू होंगे। और एक बात वो भी जो इंडिविजुअल में लागू होती है कि यदि आपके कोई कैजुअल इनकम है, लॉटरी इत्यादि की इनकम है, तो उस पर 30% से टैक्स लगता है, उसको भी अलग करके टैक्स उस पर भी लगाना होगा। ठीक है, हाँ एक अंतर है कि
इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल असेसमेंट में यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो हम अंडर सेक्शन 87A में रिबेट देते हैं 12,500 रुपए तक की। यहाँ पर रिबेट का कोई प्रोविज़न नहीं होगा, ध्यान रहे, रिबेट का कोई प्रोविज़न नहीं होगा, ध्यान रहे। एक और बात, यदि आपके टोटल टैक्सेबल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉटरी की इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है, यदि ये हैं तो इनको अलग करने के बाद, इनको हटा दीजिएगा, हटाने के बाद जो टोटल इनकम आएगी यदि वो 250,000 से कम है तो जो डिफरेंस, जो कमी है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लेकर के पूरा करेंगे, 2.5 लाख तक के लाएंगे और बाकी पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम TTI मान लीजिएगा वो है 5 लाख रुपए की, जिसमें शामिल है LTCG मान लीजिएगा 2 लाख रुपए के, लॉटरी की इनकम है मान लीजिएगा 1 लाख रुपए की, तो इनको हटाइए पहले, तो 2 और 1 3 लाख को हटाया तो बच गई आपके 2 लाख की इनकम अदर इनकम, ठीक है। अब टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं मान लीजिएगा, तो टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो टोटल इनकम अदर इनकम है, अदर इनकम वो पहले 2,50,000 रुपये तक नील है, अब यहाँ तो है ही 2 लाख, तो हम क्या करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से इनकम ट्रांसफ़र करेंगे 50,000, LTCG 2 लाख रुपए लेस ट्रांसफ़र टू अदर इनकम, कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 2,50,000 होना चाहिए और है 2 लाख रुपए ही, तो 50,000 रुपये की इनकम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 50,000 रुपये, और यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे 50,000। अब ये अदर इनकम अब बन गई है 2,50,000। अब टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स ऑन अदर इनकम, ऑन 2,50,000 पर टैक्स पे किया तो टैक्स एट द रेट ऑफ नील, कोई टैक्स नहीं, अब बच गई यहाँ पर इनकम नील बच गई। अब लें LTCG पर टैक्स लें, LTCG थी हमारे पास 2 लाख रुपए लेस ट्रांसफर्ड टू अदर इनकम, वो हमने ट्रांसफर की थी 50,000 रुपये, अब बच गई 1,50,000 रुपये पर, और उस पर टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, 30,000 रुपये टैक्स ये बना, फिर लॉटरी पे हो जाएगा 30% इस तरह से। तो यदि मिनिमम अदर इनकम 2,50,000 से कम है तो जितनी कमी है, 2,50,000 जितनी राशि कम है उतनी राशि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से, लॉटरी की या कैजुअल इनकम है तो उससे ट्रांसफ़र करके यहाँ पर लेकर आएंगे, और मिनिमम जो अमाउंट उसको पूरा करेंगे, और उसके बाद जो इनकम बचेगी उस पर लॉटरी की रेट जो है तो लॉटरी से 30% हो जाएगा, LTCG की है तो LTCG की रेट 20% से हो जाएगा, शॉर्ट टर्म 111A है तो 10% से 15% से उसका टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। पर पहले आपको मिनिमम कोटा, जो मिनिमम लिमिट है टैक्स उसके अमाउंट की, टैक्सेबल इनकम की, वो पूरी करनी होगी। ये टेंटेटिव इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं लॉ के, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम HUF में
टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए आपको इन्हीं बातों से को क्लियर करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं कि किस प्रकार से HUF के क्वेश्चन किए जाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि ये इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है जितना असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का है। उसमें वेरिटीज़ बहुत होती हैं, प्रॉब्लम भी बहुत होती हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा सा सिंपल इसलिए भी लगेगा क्योंकि बहुत कुछ कैलकुलेशन हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में देख चुके हैं और यहाँ पर उनका केवल रिपीटेशन होगा, तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा फील नहीं होगी। ओके, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। तो बात कर सकते हैं अपन इलस्ट्रेशन पर। ओके, कम ऑन, आइए हम बात करते हैं इन पर। इलस्ट्रेशन नंबर वन पर ही बात करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुकी है, HUF की इलस्ट्रेशन नंबर वन। पटेल चौधरी की बुक से है ये। आइए देखिए क्या कहता है ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन में। जेड एक हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता हैं, हेड ऑफ द फैमिली, तथा इसमें आर एस और तीन सहभागी हैं, आर एस टी को पार्सनर्स। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परिवार तथा सहभागियों की आय निम्न प्रकार थी। नंबर वन, एक कंपनी के प्रबंधक के रूप में एस का वेतन 72,000 रुपये। एस किसी जो फैमिली का मेंबर है, को पार्सनर है, वो कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है एज मैनेजर और उसकी सैलरी 72,000 रुपये है, तो ये उसकी व्यक्तिगत आय होगी, HUF का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, ध्यान रखिए। दूसरा, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज एस के नाम पर विनियोग उसके वेतन की आय से किया गया 4,200 रुपये। एस का की जो इनकम थी उसमें से इन्वेस्टमेंट किया है 4,200 रुपये का और उससे ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ये एस की इनकम मानी जाएगी, HUF का इससे कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसका बी पार्ट, समस्त सहभागियों के नाम पर परिवार के धन से विनियोग किया गया 64,950 रुपये, तो जो विनियोग किया गया है उससे इनकम हो रही है 64,950 रुपये की, तो ये इनकम HUF की होगी, तो HUF की इनकम बिजनेस सैलरी तो हो नहीं सकती, HUF नौकरी कर नहीं सकता, हम मेंबर कर सकते हैं, HUF नहीं करेगा, तो सैलरी से उसकी कोई इनकम होगी नहीं कभी। बिजनेस से हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती वो है नहीं, बिजनेस हो सकती वो है नहीं, कैपिटल गेन्स हो सकती वो है नहीं, तो अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मकान संपत्ति का किराया, ए पॉइंट, पूर्वजों से प्राप्त मकान, एक मकान था जो पूर्वजों से मिला है बाप दादा से और उसको किराए पर दे रखा है और उससे 1,08,000 रुपये की इनकम हो रही, किराया प्राप्त हो रहा है। बी, आर के नाम पर 1979 में परिवार के धन से खरीदा गया 12,000 रुपये, तो एक नहीं दो मकान हैं, दोनों किराए पर दे रखे हैं, एक तो परिवार का जो मकान था पूर्वजों से प्राप्त हुआ था वो किराए पर दे रखा, उससे 1,08,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, दूसरा एक मकान आर जो को पार्सनर है उसके नाम से खरीदा गया पर HUF के फंड से खरीदा, HUF के पैसे से खरीदा गया, इसलिए HUF की इनकम मानी जाएगी। तो दो मकान हो जाएंगे, एक 1,08,000 का, दूसरा 12,000 का, कमन। फिर व्यापार की आय HUF को हो रही है और ये कहता है ए पॉइंट, परिवार के व्यापार की आय 3,45,000 रुपये, HUF की इनकम हो गई। आगे,
परिवार के व्यापार की आय में से 1,20,000 रुपये की आय अंशों के क्रय विक्रय की है। इस आय के संबंध में 24,000 रुपये का प्रतिभूति लेन देन कर चुकाया गया है, जिसे उक्त आय की गणना में नहीं घटाया गया है। अब देखिए, परिवार की आय व्यापार है परिवार का, उससे इनकम हो रही है 3,45,000 रुपये, उसमें परिवार के व्यापार की आय में, हाँ, तो इस आय में एक आय वो 1,20,000 के शामिल है जो शेयर से हुई थी। तो हमें किसी से हुई व्यापार की इनकम है तो दोनों की इनकम एक ही मान जाएगी, तो वो 3,45,000 रुपये में ऑलरेडी शामिल है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, केवल इनकम फ्रॉम बिजनेस 3,45,000 रुपये हम लिख देंगे व्यापार की आय। हाँ, परंतु 24,000 रुपये इस लेन देन में जो खर्च हुए हैं, व्यापारी खर्च हुआ है शेयर्स के लेन देन में, वो कटौती के लिए स्वीकार किया जाएगा, उसमें से घटा देंगे बिजनेस की इनकम में से। एक नेक्स्ट बी पॉइंट, एक फर्म से आधा हिस्सा जिसमें आर प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है 10,000 रुपये, एक फर्म में जो ये पार्टनर है वो आर, वो HUF का रिप्रेजेंटेटिव है, वो खुद पार्टनर नहीं है, HUF ने उसको नॉमिनेट किया है, अधिकृत किया कि भाई आप HUF के उससे वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में हमारा वहाँ काम करो, वो काम कर रहे हैं, उससे फर्म को प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट में इसके हिस्सा मिला है आर को, या HUF का हिस्सा आर को मिला है, और वो है 10,000 रुपये। और आप ये जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे और पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट आएगा उस टॉपिक में, और क्लियर होगी ये बात कि यदि फर्म से कोई लाभ प्राप्त होता है किसी को भी, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि फर्म खुद टैक्स पे करती है अपने प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट पर टैक्स पे करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट ही बांटा जाता है, इसलिए उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, तो इस पर टैक्स लगेगा नहीं 10,000 पर। फर्म से पूंजी पर ब्याज, क्योंकि फर्म में जो हिस्सेदारी वो HUF की है, आर तो वहाँ पर HUF के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाता है, काम कर रहा है, पर जो फर्म में पार्टनरशिप है वो HUF की है, और उस पर पूंजी पर ब्याज मिल रहा है 16,900 रुपये। तो ये आप जानते हैं कि पूंजी पर ब्याज बिजनेस की इनकम मानी जाती है, तो उसमें ये राशि लिखी जाएगी, और ये है 16,960 रुपये, ध्यान रहे। नेक्स्ट, वकील के रूप में टी की पेशे की आय, प्रोफेशन वकालत का प्रोफेशन है, टी वो वकील है, वो फैमिली का मेंबर है, और उसको 9,600 रुपये मिल रहे हैं इनकम के रूप में, तो ये उसकी व्यक्तिगत इनकम होगी, HUF की नहीं। नेक्स्ट, हाँ, पांचवा पॉइंट, भारतीय कंपनी के अंशों से प्राप्त लाभांश मई 2019 में, उसमें ए, आर के नाम से परिवार के धन से खरीदे गए अंश थे, उसमें 25,370 रुपये का डिविडेंड मिला है। आप जानते हैं कि भारतीय कंपनी से प्राप्त डिविडेंड 10,00,000 रुपये तक एग्जेम्प्टेड होता है, कोई टैक्स नहीं लगता, तो ये भारतीय कंपनी, इसलिए इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। बी पॉइंट, आर की पत्नी के नाम से जो उसने स्त्री धन से खरीदे हैं 1,200 रुपये का डिविडेंड मिला, ये भी भारतीय कंपनी से है, तो ये भी वैसे भी टैक्स फ्री होता, परंतु यहाँ पर एक बात अलग है कि ये जो डिविडेंड है ये उस इन्वेस्टमेंट से मिला जो पैसा लगाया था आर की पत्नी ने, और आर की पत्नी पैसा कहाँ से लेके आई थी, वो HUF का पैसा नहीं था, वो स्त्री धन का था, स्त्री धन में से उसने पैसा लगाया और लगा करके शेयर्स पर डिविडेंड प्राप्त किया 1,200 रुपये का, तो ये उसकी आय मानी भी जाती है, तो व्यक्तिगत आय होती आर की पत्नी की, मिसेज आर की, HUF की इनकम नहीं होती, ठीक है, ये बातें हैं इसमें। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है स्त्री धन, समझ लीजिएगा इसे, स्त्री धन, यदि किसी महिला को विवाह के समय, विवाह के अतिरिक्त उसके जन्मोत्सव पर या
विवाह की वर्षगांठ पर या किसी त्यौहार पर इस फैमिली के मेंबर ने या उसके मायके वाले पक्ष ने माता पिता भाई बहन इत्यादि ने कोई उपहार दिया है वही स्त्री धन कहलाता है। और स्त्री धन उस महिला की उस स्त्री की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। इवन उस स्त्री का जो पति होगा उसको भी इसका इस पर अधिकार नहीं माना गया है। ध्यान रहे ये उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है। तो यदि मिसेज आर ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स खरीदने में और उस पर डिविडेंड प्राप्त हो रहा है और ये पैसा लगाया गया स्त्री धन में से, तो ये आय जो होगी डिविडेंड से 1200 रुपये की वो उसकी व्यक्तिगत आय होगी मिसेज आर की, HUF की नहीं मानी जाएगी। ये पूरे प्रश्न की सारी कहानी जो आपके सामने संक्षेप में मैंने रखी। एक बात और रह गई है, परिवार ने पुरुष सदस्यों के जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी पर गत वर्ष 60,000 रुपये का प्रीमियम चुकाया। HUF ने फैमिली मेंबर्स के लिए लाइफ पॉलिसीज अलग अलग ले रखी है और उस पर 60,000 रुपये का प्रीमियम दिया है, तो सेक्शन 80C कटौती मिलेगी जैसे कि इंडिविजुअल में मिलती है। नेक्स्ट, परिवार ने पुण्य संस्थाओं को 50,000 रुपये का दान दिया है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की तरह यहाँ पर भी 80G की कटौती मिलेगी। नियम वही होंगे क्योंकि ये पुण्य संस्था को दिया गया दान है तो क्वालिफाइंग अमाउंट की सीमा भी लागू होगी और कटौती दर 50% होगी। जो नियम वहाँ है वही के वही नियम 80G के यहाँ पर भी लागू होंगे। ये है पूरा प्रश्न आपके। मैं समझता हूँ क्वेश्चन की सभी बातें क्लियर हो गई हैं। आइए एक एक करके इनको टेकअप करते हैं। इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम TTI टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी क्या नाम है HUF के हेड ऑफ द फैमिली का Z ऑफ मिस्टर Z हेड ऑफ द HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ये प्रॉपर हेडिंग इस तरह से लिखा जाएगा। Z के नाम से होगा, वो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके नाम से ही सारा काम होगा। ओके कम ऑन, 1 by 1। सबसे पहले एक कंपनी के प्रबंधक के रूप में एस का वेतन 72,000 रुपये जिसे बताया है, आपको केवल नोट डाल के लिखना है कि एस को प्राप्त वेतन उसकी व्यक्तिगत एस की व्यक्तिगत आय हो मानी जाती है, बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा। दूसरा, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज, ये सरकारी प्रतिभूति से प्राप्त ब्याज है। एस के नाम पर विनियोग उसकी वेतन की आय में से किया गया है तो ये भी एस की व्यक्तिगत आय मानी जाएगी, क्योंकि विनियोग जो हुआ है उसकी व्यक्तिगत आय से हुआ जो कि वेतन से प्राप्त हो रही थी, इसलिए HUF की इनकम नहीं मानी जाएगी, इसलिए इसको भी शामिल नहीं करेंगे। फिर कहता है B, समस्त सहभागियों के नाम पर परिवार के धन से जो इनकम हो रही है वो 64,950 अदर सोर्सेज में आ जाएगा, अभी छोड़िएगा। पहले हम लेते हैं 3rd पॉइंट जो मकान संपत्ति से किराए से हो रही है। ओके, फर्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें नंबर 1 रेंट
फ्रॉम एंसेस्ट्रल हाउस, पूर्वजों के मकान से किराया प्राप्त हो रहा और वो राशि है 1,08,000। दूसरा, रेंट फ्रॉम अदर हाउस ऑफ एच यू एफ के फंड से है ये मकान और उस पर किराया प्राप्त हो रहा है 12,000 रुपये। टोटल 1,20,000 रुपये हुआ। कोई म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह नहीं बता रखा है तो सीधा ये NAV हो गया, नेट एनुअल वैल्यू हो गई, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% इंटू 1,20,000, 36,000 रुपये लेस कर दें इसमें से, $84,000। दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गया इसका फाइनल कॉलम में। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस आता है सेकंड पर, और बिजनेस में इसने एक तो बताया ये 3,35,000 की, फिर बता रहा फर्म से प्राप्त हिस्सा टैक्सेबल होगा, पूंजी पर ब्याज, तीन बातें हैं इसमें। पहली, इनकम फ्रॉम फैमिली बिजनेस, इंक्लूडिंग 1,20,000, ध्यान रहे इसमें शामिल है शेयर्स के व्यापार की आय भी, इंक्लूडिंग 1,20,000 रुपये, और वो है 3,35,000 रुपये में शामिल है। इसमें 1,20,000 रुपये शेयर्स से इनकम प्राप्त हो रही, शेयर्स की डीलिंग से, और शेयर्स की डीलिंग पर 24,000 रुपये का खर्चा हुआ है, लेस एक्सपेंसेस। ₹24,000 ये घटाइएगा इसमें से, 3,21,000 रुपये इस बिजनेस के। दूसरा, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म ब्रैकेट में क्या, नॉट टैक्सेबल, फर्म टैक्स पे करती है इस पर, और यहाँ पे लिखते हैं नील 3,21,000 के नीचे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम फर्म से पूंजी पर ब्याज, व्यापार की आय मानते हैं, बिजनेस के टॉपिक में हम देख चुके हैं इसको, और वो है 16,960। और ये टोटल हुआ आपका 3,21,000 प्लस 16,960, 3,37,960 रुपये। नेक्स्ट, उसके बाद ये कहता है डी, वकील के रूप में टी की पेशे से आय, ये टी की व्यक्तिगत आय है, इसको व्यक्तिगत टैक्स देना पड़ेगा, HUF से इसका कोई संबंध नहीं, पर नोट लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, उसके बाद भारतीय कंपनी के अंशों से प्राप्त लाभांश, ओके, अदर इन सोर्सेज, थर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
परिवार के धन से खरीदे गए आर के द्वारा जो है शेयर्स, उस पर डिविडेंड प्राप्त हो रहा है, डिविडेंड फ्रॉम फैमिली फंड ब्रैकेट में लिखे इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड और नील हो गया है। फिर आर की पत्नी ने अपने सिद्धन में से खरीदा है ये शेयर्स, उस पर 1200 डिविडेंड प्राप्त हो रहा है। ये आर की पत्नी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, HUF से इसका कोई संबंध नहीं होगा। ऊपर भी कहीं था ब्याज का, जरा देखिएगा सेकंड में बी पॉइंट, समस्त सहभागियों के नाम पर परिवार के धन से विनियोग किया गया और वह है 64,950 रुपये। दूसरा इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में फैमिली फंड $64,950, बस और कोई नहीं है इसमें। टोटल इसका भी फाइनल कॉलम में लिख दें $64,950, टोटल करें ये कहलाएगा GTI 84,000 पहला है, प्लस 337,960 प्लस 64,950 एंड इट इज 486,910 486,910। ये आपके GTI प्राप्त हो गए हैं, ग्रोस टोटल इनकम आ गई। अब इस ग्रोस टोटल इनकम में से जैसे हम इंडिविजुअल में डिडक्शंस देते हैं वैसे डिडक्शंस देंगे। आइएगा पहले लेस डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 80, सबसे पहले 80C, और देखिएगा इसने 60,000 रुपये की पॉलिसी ले रखी LIP, 60,000 रुपये। फिर सेकंड आगे कहता है उसने डोनेशन दिया है 50,000 का, 80D का तो नहीं, कोई डिडक्शन देख लें चेक कर लें, नहीं है तो 80G डोनेशन। और ये किसको दिया गया डोनेशन ज़रा देखिएगा, 50,000 रुपये का पुण्य संस्था को चैरिटेबल ट्रस्ट, ये क्वालिफाइंग अमाउंट होगा और रेट होगी 50%, ध्यान रहे। तो वर्किंग नोट में ले क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगा ATG के लिए, एडजस्टेड GTI का 10% होता क्वालिफाइंग अमाउंट, तो एडजस्टेड GTI का कैलकुलेशन GTI 486,910 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को है तो वो हटाएं, लॉटरी की इनकम है तो वो हटाएं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है ए हो तो वो हटाएं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर 80 के डिडक्शंस 80G को छोड़कर कोई हो तो वो घटा दें, तो केवल एक ही डिडक्शन 80C का, लेस 80C 60,000 को लेस करें, फोर लैख 26,000 यही
एडजस्टेड ATG एडजस्टेड GTI ये आ गया। क्वालिफाइंग अमाउंट 10% ऑफ एडजस्टेड GTI एंड दैट इज 426,910 × 10%, तो 42,691। इसका 50% ही ये क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया, इसका 50% 80G का डिडक्शन देंगे। अभी आएगा 42,691 इंटू 50%, इसका आधा कर दें 42,691 इंटू 50% 21,345 रुपये, 50% को 346 रुपये कर दिया जाएगा, तो ये 21,346। यस, टोटल आ गया डिडक्शन प्लस 60,000 किया इसमें 81,346, ये 81,346 लेस किया 486,910 में से, माइनस 486,910 माइनस 81,346 4,05,564 This is taxable income. Rounded off. और राउंड ऑफ करेंगे तो 560 हो जाएगा, चार है लास्ट में, 4,05,560 ही हो जाएगा। ये टैक्सेबल इनकम आपके आ गई, जिसको TTI कहते हैं। ओके, नाउ एट द एंड द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आइएगा, मैं इधर ले रहा हूँ। टैक्स लाइबिलिटी कर दायित्व, कोई कैपिटल गेन नहीं है तो ये हो गया TTI 405,560 लेस टैक्स ऑन फर्स्ट 250,000 पर टैक्स लिया नील, एक लाख 55,560 लेस टैक्स ऑन बैलेंस अगले 2.5 लाख पर 5% की हो तो बने, तो हे 155,560 ये 155,560 इन एट द रेट ऑफ 5%। आइए 5% लिया, 155,560 × 5% 7,778 रुपये ओके, ये टैक्स हो गया, ये इनकम बच गई नील, कोई इनकम नहीं है। अब एजुकेशन एड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%
7778 इंटू 4% 311 रुपये 12 पैसे 311 ही कर लीजिएगा। ग्रॉस टैक्स पेबल नेट टैक्स पेबल कोई TDS है नहीं, TDS हो तो हटा दें तो 8090 ये उत्तर होगा। नेक्स्ट टैक्स पेबल का शुद्ध राशि ये जो HUF को भुगतान करनी वो ये होगी। इस तरह से हम कैलकुलेशन ले सकते हैं। HUF का ज़रा देखें तो आपको पता लगेगा बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो अभी तक हम देखते आए हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में। ओके, विल बी मीटिंग अगेन आफ्टर ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड दे विल टेक अप द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की होगी उसी को लेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट एंड टेक अप वन मोर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक और प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम है अगेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए क्या कहता है दूसरे उदाहरण में। अपने आय के विवरण में एक हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अग्र विवरण प्रस्तुत किया गया है। आपको परिवार की कुल आय एवं देय शुद्ध कर की गणना करनी है। फर्स्ट पॉइंट, व्यापार से लाभ 1,12,30,000 रुपये। ये आय परिवार के एक सदस्य को जो कि विक्रेता के रूप में काम करता है 60,000 रुपये देने के बाद तथा कर्ता को जो कि परिवार के व्यापार का प्रबंध करता है 2,50,000 रुपये देने के बाद ज्ञात की गई है। तो 1,12,30,000 रुपये का लाभ हुआ है, उसमें ये डेबिट कर रखा है। एक फैमिली मेंबर भी है जो कि वहाँ पर काम कर रहा है, उसको 60,000 रुपये का पेमेंट किया गया है और एक हेड ऑफ़ द फैमिली है जो व्यापार का मैनेजमेंट संभाल रहा है, उसको 2,50,000 रुपये दिए गए हैं। इनको 2,50,000 और 60 3,10,000 देने के बाद प्रॉफिट 1,12,30,000 है। ये जो पेमेंट किए गए हैं ये अलाउड एक्सपेंडिचर से व्यापार के आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में देख चुके हैं तो इनका कोई महत्व नहीं है। केवल हम इनकम बिजनेस की प्रॉफिट के रूप में 1,12,30,000 रुपये 30,00,000 रुपये मानेंगे और ये जो एक्सपेंडिचर डेबिट कर रखे हैं ये अलाउड है, डेबिट होने चाहिए, ऑलरेडी डेबिट है, आपको कुछ नहीं करना। ओके, नंबर 2, परिवार के पास 38,400 रुपये किराए के मूल्य का एक मकान है। मकान का प्रयोग परिवार के रहने के लिए किया जाता है तो कोई इनकम नहीं हो रही है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, नेट एनुअल वैल्यू नील होती है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, कहीं इसका लेखा नहीं किया जाएगा। एक भूखंड के विक्रय से दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो रहा है 1,00,000 रुपये का। ये राशि लागत प्रसार सूचकांक के आधार पर ज्ञात की गई है, मतलब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स ऑलरेडी ले रखा, कैलकुलेटेड दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, लॉन्ग टर्म कैपिटल 1,00,000 रुपये की है। तो धारा 112 की इनकम हो गई है LTCG की, जिस पर टैक्स की रेट जब लगाएंगे तो 20% की दर से होगी, ध्यान रहे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, दिसंबर 2019 में सूचित समता अंशों के विक्रय से 60,000 रुपये का अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ। इन लेन देनों पर 2,000 रुपये का प्रतिभूति लेन देन कर चुकाया गया है तो शेयर्स का ये लेन देन हुआ है,
और शेयर्स के ट्रांसफ़र पर कैपिटल गेन हुआ शॉर्ट टर्म का 60,000 रुपये का, और ये लेन देन हुआ था थ्रू दी सिक्योरिटी एक्सचेंज के थ्रू हुआ था। इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गई है जब प्रतिभूति का लेन देन इनके माध्यम से होता है। तो 111A कैपिटल गेन माना जाएगा शॉर्ट टर्म का, 111A, ध्यान रहे, प्रतिभूति का लेन देन एक्सचेंज के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जुलाई 2019 में बेचे गए असूचित समता अंशों पर 40,000 रुपये का दीर्घकालीन लाभ हुआ तथा मार्च 2020 में प्रमाणित स्कंद विनिमय के माध्यम से बेचे गए सूचित अंशों पर 80,000 रुपये का दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ। तो ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में पर दो हैं, एक नहीं। एक तो है जो कि असूचित समता अंशों को बेचने पर हुआ लाभ, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का 40,000 रुपये का, परंतु ये जो है वो इसके स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से नहीं हुआ, तो ये 112 का होगा, ये 112 ए का नहीं, 112 का। तो 112 के दो लेन देन हो गए, एक तो ऊपर तीसरे नंबर पे 1,00,000 का और दूसरा ये 40,000 का, और इन दोनों पर जो टैक्स की रेट होती है वो 20% होती है, ध्यान रखिएगा। ये 112 के हैं दोनों ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, 80,000 रुपये का जो दीर्घकालीन लाभ हुआ है ये स्कंद विनिमय के माध्यम से हुआ है, तो 112 ए का हो गया। स्कंद विनिमय के माध्यम से हो तो 112 ए, और इसके माध्यम से नहीं हो तो 112। उसी प्रकार से स्कंद विनिमय के माध्यम से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो 111 ए ई की। वर्ष के दौरान परिवार के दो सदस्यों के जीवन पर ली गई जीवन धारा वार्षिकी योजना का प्रीमियम 1,25,000 रुपये, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आ गया। ओके, सरकारी प्रतिभूतियों से 31 मार्च 2019 को 24,000 रुपये का ब्याज प्राप्त किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। परिवार के पास जयपुर में एक कंपनी में इतने अंश हैं कि परिवार का उस पर नियंत्रण हो सकता है। परिवार का एक सदस्य इस कंपनी में प्रबंध संचालक बना और उसने कुल 48,000 रुपये का पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो ये परिवार के सदस्य की व्यक्तिगत आय हो गई, उसने काम किया है, तो इसके एचयूएफ से इसका कोई लेन देन नहीं हुआ। परिवार ने कंपनी से 13,425 रुपये लाभांश प्राप्त किया, ये डिविडेंड है, एचयूएफ की इनकम से हो रहा है तो एचयूएफ का डिविडेंड है ज़रूर, परंतु क्योंकि ये इंडियन कंपनी है तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। बात होगी क्लियर। अंतिम घुड़दौड़ से सितंबर 2019 में जीता गया इनाम कैजुअल इनकम आ गई अदर सोर्सेज की 50,000 रुपये, दैट्स ऑल। आइएगा ऊपर हेडिंग हो जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ TTI एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ HUF, नाम नहीं दे रखा है तो कितना लिख दिए गए, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 परिवार के पास एक किराए के मूल्य का मकान है, और मकान ये तो स्वयं का मकान भी नहीं, किराए का मकान है, तो उस पर कोई इनकम नहीं है, और उसमें स्वयं रह रहा है, किराए पर नहीं दे रखा है, तो हाउस प्रॉपर्टी कोई इनकम नहीं, सीधा बिजनेस की, पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक करोड़ 12,30,000 रुपये,
1,12,30,000 ये इनकम। ये जो खर्चे हुए हैं पारिश्रमिक के रूप में, एक तो परिवार का व्यक्ति विक्रेता के रूप में काम कर रहा है तो इसकी व्यक्तिगत आय होगी, और सॉरी व्यक्तिगत आय होगी परंतु बिजनेस में दी गई तो अलाउड एक्सपेंडिचर है, ऑलरेडी डेबिट होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना। उसी प्रकार से हेड ऑफ द फैमिली को 2,50,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया गया है, ये भी बिजनेस में अलाउड एक्सपेंडिचर है, ये भी ऑलरेडी डेबिट है, आपको कुछ नहीं करना है। ओके नेक्स्ट किराए के मकान को हो गया। फिर आइएगा अब कैपिटल गेन आ रहा है। पहले इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसमें फर्स्ट है LTCG ऑन प्लॉट, प्लॉट को बेचने से हो रहा है, ये कैलकुलेटेड दे रखा है, कुछ नहीं करना है आपको। ये है आपके अंडर सेक्शन 112 की, ध्यान रहे, और इस पर रेट होगी 20%, 1,00,000 रुपए की। ये एक और थी, इसमें 112 की जरा देखिएगा, पांचवा पॉइंट वो ले लें पहले, LTCG ऑन, ये किस पर है पांचवे पॉइंट पे, ये है अनलिस्टेड शेयर्स, ये भी 112 की है, ये 40,000 रुपये की है, ये दोनों 1,40,000 की हो गई। इन पर रेट 20% होगा, ध्यान रहे, इसलिए अलग से जोड़ के लिख रहा हूँ मैं। फिर आइएगा, ये हो गया फोर्थ पर, थर्ड पॉइंट आ रहा हमारा, फोर्थ पॉइंट में दे रखा है, ये है सूचित अंश को बेचने से शॉर्ट टर्म आ रहा, शॉर्ट टर्म को बाद में लेंगे, पहले लॉन्ग टर्म ले लें। और वो फिफ्थ पॉइंट में सेकंड लाइन दे रखा है कि स्कंद विनिमय के माध्यम से बेचे गए सूचित अंश LTCG ऑन लिस्टेड शेयर्स, ये है 112A क्या, 112A पर 10% की दर से टैक्स होता है, ध्यान रहे, ये है 80,000 रुपये की। फिर फोर्थ पॉइंट इसका, अब आइएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो छूट गई है 111A की, वो ले रहे हैं 60,000 रुपये अल्कलाइन पूंजी लाभ STCG, ये है शेयर्स, ये स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हो रहा था 111A, ये है 60,000 रुपये की। इस पर टैक्स की रेट होती 15%, ध्यान रहे। तो ये टोटल कैपिटल गेन हो गया है 2,80,000 रुपये का, इस तरह से। फिर आता है अदर सोर्सेज, थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओके। अदर सोर्सेज में पहले पॉइंट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में 80C का डिविजन, सेवन्थ में सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज 24,000 रुपये, इसका फर्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और वो है ब्याज 24,000 रुपये का। नेक्स्ट,
फिर परिवार के सदस्य प्रबंध संचालक बना, उसको 48,000 रुपये मिले हैं, ये व्यक्तिगत आय है। परवानी कंपनी के 13,425 रुपये डिविडेंड। ये इंडियन कंपनी हो गई, एग्जेम्प्टेड, और 24,000 की नीचे लिख दे नील, कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। फिर थर्ड है हॉर्स रेस की लास्ट में इनकम दे रखी है 50,000 रुपये। इनाम प्राप्त किया है, ये ध्यान रहे, कैजुअल इनकम हो गई है, नो ग्रॉस अप हॉर्स रेस 50,000 रुपये। इस पर TDS लेंगे, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो टोटल हो गया ये अदर सोर्सेज का 74,000। GTI तीन जीरो चार सात आठ पंद्रह तीन अट्ठारह एक तीन दो पाँच एक एक करोड़ 15,84,000 रुपये GTI। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C A की डिडक्शन है। अंडर सेक्शन 80C और ये है डिडक्शन 80C का प्रीमियम, LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,25,000 रुपये। TTI टोटल टैक्सेबल इनकम 1,14,59,000 रुपये। ये TTI एक काम, एक फेज कंप्लीट हुआ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टोटल टैक्सेबल TTI। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फेज, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। TTI और वो है 1,14,59,000। आइएगा टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है। लेस LTCG ये है अंडर सेक्शन 112 वाली, और ये दो हैं 1,40,000 की। माइनस 1,40,000 टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। बोलिए साहब, 1,40,000 पर 28,000 रुपये का टैक्स हो गया। दस परसेंट 14,000 और 20% 28,000 रुपये। अब ये घटाए तो इनकम बच गई आप पास 1,13,59,000। ये हो गया टैक्स। फिर 112A की लेस LTCG अंडर सेक्शन 112A ये है 80,000। फिट टैक्स की रेट है इस पर एट द रेट ऑफ 10%, ये 8,000।
एक मिनट, 80,000। और यहाँ लिखिएगा एग्जेम्प्टेड अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगता तो ये हो गया नील। ये देखिएगा, अब हमारे पास बच गया है 9, 11, 4 जाएंगे 3, 1,12,39,000, 39,000। एक एक 3,19,000 माइनस 80,000, 1,12,39,000 सही है, 1,12,39,000। देन लेस अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये है हो गई, ये भी हो गई 111A, और ये है 60,000 की, टैक्स एट द रेट ऑफ 15% होता है, 15,6,9,000 रुपये ये हो गया टैक्स। अब बच गया आपके पास 1,11,79,000 लेस लॉटरी की इनकम, सॉरी हॉर्स रेस की इनकम, कैजुअल इनकम हॉर्स रेस, यह 50,000, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 50,000 का 30%, 15,000, अब आ गया 9, 7, 5, 2, 1,11,29,000 ये हो गई अदर इनकम, अन्य आय। अब ले ऑन फर्स्ट टू लेख 50,000 टैक्स इज निल, अदर इनकम पर इस पर निल टैक्स। बैलेंस बचा 9, 12, 5 जाएंगे 7, 8, 1,08,79,000, चेक करते चले भाई, 1,11,29,000 माइनस 2,50,000, 1,08,79,000, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन नेक्स्ट 2,50,000 माइनस 2,50,000 टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, अब बच गया आपके पास 9,752,806, 1,06,29,000 लेस ऑन नेक्स्ट 5 लाख, पांच लाख घटाएं, 20%, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए। फिर लीजिएगा, मैं आगे ले रहा हूँ, इधर बैलेंस कितना बच गया,
1,01,29,000 फिर आगे लें ऑन बैलेंस 1,01,29,000 पर टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, बाकी पर 30% ले लें। 1,01,29,000 इंटू 30%, 3,30,38,700। ग्रॉस टोटल ऑफ टैक्स, अब 3,38,700 तो ये हो गया, प्लस 1,12,500 प्लस 15,924 प्लस 28,000 32,03,200 ये टोटल टैक्स हो गया। अब इसमें जोड़ दें सेस, एड एजुकेशन हेल्थ सेल्स सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो ये हो जाएगा इनटू 32,00,000 एट द रेट ऑफ 4% इंटू 32,03,000 32,03,200 तो 4,28,000 1,28,128 आ रहा है इसमें। एक गलती हो रही है, एक मिनट, ग्रॉस टैक्स हो गया 1,00,00,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम में तो सरचार्ज 15%, ध्यान रखिएगा, सॉरी गलती हो रही, एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%, तो ये होगा 15% इंटू 32,03,200 का, इंटू 15% 4,80,480 टोटल, अब प्लस 32,03,200 36,83,680 ग्रॉस टोटल ऑफ टैक्स। अब ले एड एजुकेशन सेस, एट द रेट ऑफ 4% इंटू 36,83,680 का, इंटू 4% 1,37,347.20 पैसे को छोड़ दें, 1,47,347 ग्रॉस टैक्स पेबल
36,83,680 प्लस 147,347 38,31,027 ओके लेस TDS हॉर्स रेस है हमारे साथ जुड़ी हुई हॉर्स रेस 50,000 के 30% की दर से ऑन हॉर्स रेस एट द रेट ऑफ 30% इंटू 50,000 15,000 घटा दें 02762 1 38,16,027 ये नेट टैक्स पेबल से राउंडेड ऑफ करें तो 38,16,000 और 27,30 ईयर दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हम टैक्स रेट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखिए पूरी पिक्चर क्लियर आपके सामने आ रही है आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल ओके नेक्स्ट डे विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वेराइटी ऑन द सेम टॉपिक दैट इज HUF सो विश यू गुड लक एंड थैंक यू